तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। एंड इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम भाई इंदौर। और जैसा कि आपको बताया था, हम लोग इंदौर आने वाले थे और मैंने बताया था, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट ओमकारेश्वर। जस्ट अभी सामने क्लॉक रूम है, अभी क्लॉक रूम में हम लोगों ने रख दिया अपने सारे लगेज, बिकॉज एक बैग हम लोगों ने लिया है, उसमें अपनी सारी बेसिक चीज़ें हैं। और इसके बाद जो सीन्स होने वाले हैं ना, वो आपको चेक कराते हैं। बाकी मौसम की जो आज अपडेट है, मौसम बहुत सही है। अब यहाँ पे मैं वही बता रहा था ना, अगर ट्रिप और हमारी बीटी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उज्ज्वल अपने मुँह से आपको बीटी बताया, भाई बताओ बीटी। अरे छोड़ो भाई, भाई बता दे, रहने दो भाई, के लिए बताओ भाई। ये चेक करो आप अपना ध्वज, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो भाई, इंदौर का रेलवे स्टेशन भाई, ध्वज बहुत सुंदर लगता है अपना। क्या 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 बादल जो है आस पास, हाँ, और बारिश का मौसम बना हुआ, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, इतना ही रहे अच्छा है। और वो जो मिक्सअप आ रहा है ना, हाँ भाई, आप ये चेक करो, देख रहे हो, मैंने फोटो लिया, आप इंस्टा पे देखना, ब्लैक क्लाउड्स के साथ जो अपना ध्वज दिख रहा है ना, एक नंबर। तो भाई अभी का सीन ऐसा है कि अब हम लोग जा रहे हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम लोग उज्जैन से बिना कुछ खाए पिए निकले थे यार। और क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी जो भी हम लोग को बस मिली, वो ट्रेन मिली लोकल, वो हम लोग ने फटाफट ली इंदौर के लिए। अब इंदौर में एक्चुअली बीटी हो गए, हम लोग इंतजार इसलिए कर रहे हैं उज्जवल का जो, बस बस रहने दो, सबको नहीं बताना भाई। अरे जो आपने 8GB वाला ईयरफोन देखा था ना, वो हमारे जनाब का था, जादू टोना, और वो रह गया इनका रूम पे। तो अब रूम वाले से बोला, उसने बस में किसी को दिया है, अब वो बस वाला यहाँ पे आ रहा है, अब उससे वो लेना पड़ेगा, तब फिर हम बस से, बस स्टैंड से फिर हम ओमकारेश्वर के हम लोग बस ले लेंगे। तो ये हो गया, अब यहाँ पे इस चक्कर में हमारा 1.5 घंटा चला गया, कोई बात नहीं गाइस। 1.5 घंटे हमारे बस चला गया, हमने कहा इन सब चीज़ों में 1.5 घंटा लगेगा इंतजार करने का, बाकी तो वहाँ रूम टावर, क्लॉक टावर में, क्लॉक रूम में, क्लॉक टावर में यार एक्चुअली बहुत टाइम निकल गया, बिकॉज यहाँ पे इनके रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि आपको ताला लगा होना चाहिए, ये वो। तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं उस टाइम व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, बट फिर मैंने कहा बहुत सारी बसड़ है, पहले सारा निपटा लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर व्लॉग। सो बस एक्साइटेड है यार ओंकारेश्वर भी जाने के लिए, और मौसम भी आज बहुत साथ दे रहा है। बस अगर ऐसा मौसम बना रहे ना, तो ऐसे मौसम में घूमने में मज़ा है। कहाँ है हम सफर, इतनी अच्छी ट्रेन है क्या? वंदे भारत दिखाई दे आपको, वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, हम सफर भी अच्छी है, तेजस भी अच्छी है। तेजस तो देखें भाई, इंदौर की वाइब हम बता दें, अगर इंदौर वाले आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो, वाइब अच्छी है। एक चीज़ और बताते हैं, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, बहुत गंदगी हम बताएंगे आपको, गंदगी दिखाऊं, देखो ना कितनी गंदगी है गाइस, अंदर देख रहे कितनी बदबू आ रही है स्टेशन के अंदर। सर भाई बहुत खराब सीन थे, क्लीनेस्ट सिटी बोला जाता है क्या इंदौर को? और नहीं तो देखिए कमेंट में बताना भाई, मैंने देखी है, मैं दो बार देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आप लोगों को जैसा बता रहा था आइटनरी, और ओंकारेश्वर में हम लोग बस से जाएंगे, 3 घंटे लगने वाला है। ओंकारेश्वर पहुंच के फटाफट दर्शन करने, बिकॉज हमारे सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है, सिर्फ दर्शन करना है और सट से निकलना, कोई वहाँ पे घूमना नहीं, कोई वहाँ पे कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पे भी तो काल भैरव जी के, तो वहाँ पे भी पास दर्शन करने पड़ेंगे ना, निकलने में समय भी तो कितना लगेगा। नहीं अगर आसपास हुए तो हो जाएंगे ना दर्शन, सिटी के बाहर हुआ नहीं, सिटी के बाहर हुआ तो मुश्किल है। लेट्स सी गाइस, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस, जैसा होता है बताते हैं आपको। बाकी फिर वापस और बाकी फटाफट फिर वापस वहाँ से इंदौर आना है, बिकॉज हमारी आज रात में इंदौर से ट्रेन है अहमदाबाद की। हाँ जी गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं गुजरात आज, ये मैंने इसमें रिवील कर दिया। और अहमदाबाद हम जा रहे हैं उज्जू भाई के यहाँ, उज्जू भाई के घर जा रहे हैं हम लोग। फिर इंदौर से आगे कहाँ जा रहे हैं, अब आप लोग इतना कमेंट सेक्शन में गैस करिए, धीरे धीरे सब पता लगेगा कहाँ कहाँ रहता है। आपको एक एक हमारे साथ शख्सियत कम लिख रही होंगी, वो गए हैं जरा सुलभ शौचालय, सुलभ शौचालय है अंदर वाले में भाई। लेकिन गाइस मैं एक ये बताऊं, ये जो यहाँ पे स्पॉट है ना, एक ये वाला यहाँ पे ध्वज के साथ इतनी प्यारी, इतनी सेक्सी सेक्सी फोटोज आई हैं। और जो मैंने वो कुर्ता लिया था ना येलो वाला कल, उसमें तो बहुत आला फोटो आई है। और वहाँ पे इंजन भी खड़ा है, ये जगह यहाँ पे इंजन खड़ा है, इंजन के साथ भी बहुत मस्त फोटो आई थी। तो बस तो अब फटाफट अब सर की सर आ जाए, उसके बाद जल्दी से चलते बस स्टैंड, फिर इसके सामान लें, उसके बाद फिर निकला जाए ब्रेकफास्ट करके ओंकारेश्वर। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो भाई हम लोगों ने इंदौर में पहली बार कुछ लिया है, और ये हमने लिया है छोले समोसे। यहाँ के छोले समोसे थोड़े अलग हैं, कोई नहीं अब टेस्ट करके देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे खाने का बहुत ज़्यादा इशू है भाई, मतलब
एक चीज मैं बताऊंगा, एमपी में खाने का इशू है, आपको वैरायटी बहुत है बट टेस्ट उतना नहीं है, है ना सर? मतलब बुरा नहीं है बट उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज जिसे लखनऊ का यूपी का स्वाद लग जाएगा फिर बहुत दिक्कत होगी उसको। टेस्ट करके बताते गाइस कैसा है, कैसा है सर आपके वाला? बढ़िया है। छोला समोसा गाइस ट्राई करते हैं और बता देंगे सर। भैया हालत खराब हो गई भाई, बहुत बहुत तीखा है ना सर। बहुत ही खाती है भाई, क्या हाल करा हुआ है इसका भाई। अगर एमपी आ रहे हो ना भाई, अपना खाना खुद लेके चलो, क्या तो होटल लेके कहीं बना लो भाई, खाने का कुछ अलग बंदोबस्त देखो यार, बिल्कुल ही दाल चावल खाओ साला, बस उसी पे खुश रहो। ये छोड़ो, ये तो सब कोई भी रैंडम थाली उठा लो, कढ़ी जरूर है, एक यहाँ पे कढ़ी का कल्चर बहुत है। मैं गाइस बताना भूल गया था आपको, हर कोई भी मील ले लो, चालीस वाली थाली चले के 200 वाली थाली तक कढ़ी मैंडेटरी। ना पता नहीं कितनी कढ़ी खाते हैं लोग भाई एमपी में, उज्जैन में भी, इंदौर में भी, यहाँ पे भी, पूरे एमपी में खाएंगे भाई। गलत डिसीजन ले लिया, इससे अच्छा सादा समोसा चाय खा लेते हैं भाई, ले लिया इंजॉय, खा ले, खत्म तो करना ही पड़ेगा। पोहा तो बस ठीक है यहाँ का, बाकी भाई एक जलेबी मंगाई है, ये भी भाई खत्म जलेबी है। 10 में से रेटिंग दो, ये ना बताओ कैसा है। 4-5 हो गया खुलासा। नमक पारे का टेस्ट आ रहा है, नमक पारे का टेस्ट आ रहा है गाइस। कोई नहीं यार, अब कर सकते क्या, कर सकते हैं भाई, तो खावे तो पड़ी। तो गाइस फाइनली वी हैव बोर्डेड आवर बस, चेक दिस आउट, और एकदम कंजेस्टेड, हमारा जादू मिल गया भाई, जादू मिल गया भाई, जादू दिखाओ गाइस को, जादू दिखाओ तुम। अब ऑलमोस्ट यहाँ से लगेगा 2.5 घंटा, जैसा कि ड्राइवर साहब ने, कंडक्टर साहब ने मुझे बताया है। और बाकी अगर कोई जा रहा है इंदौर से ओंकारेश्वर, तो हमें 140 का टिकट पड़ा, इनके हिसाब से जाते हो यही 130-140 का टिकट पड़ेगा, और 300 में अप डाउन का पड़ेगा। तो हम लोगों ने 140 वाला ले लिया, बिकॉज हमारा अप डाउन, मतलब डाउन का हमारा कन्फर्म नहीं है, कि हम आगे पीछे हम बस की टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं बाकी रास्ते के, आपको कुछ सिनेमैटिक दिखाते हैं और बस के और रास्ते के। और हमारे अभी पता, अभी हमें पता चला कि मारोगे गाइस, पता चला कि ये हमारे मोशन सिकनेस वाले मरीज ये भी हैं, इनको बिठाया खिड़की के पास, हुआ करके दिखाओ। अब इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको उल्टी ना हो जाए, इनकी पीठ थपथपाते रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी कहो, इस ट्रिप पे सीखा मैंने बहुत कुछ है, मतलब एक एमपी में आके कैसे डील करना है। अभी ऑलमोस्ट ऑटो वाले से लड़ाई हो गई। सुनो, एमपी जब ने एक सीखा है कि भाई आओ अपने काम करो, तुम निकलना, बहस मत करो किसी को। एक तो आधी बात इनकी समझ में नहीं आती, ये बोलते क्या, मुंह में ही बोल लेते हैं और अपना ही सुन लेते हैं, और हर बात में एटीट्यूड एकदम कड़क। अभी बताओ मैं लड़ाई होगी थी, हमारा होता है जहाँ मैंने जो भी इनको डिसीजन बताया, वहाँ से सिर्फ 50 मीटर आगे का पड़ा है भाई। यूपी में कितना सही है भाई, बहुत अजीब है भाई, यहाँ पे आओ घूमो निकल जाओ। तो इंदौर या एमपी से देख रहे हैं, बुरा मत मानना, लेकिन भाई मेरा एक्सपीरियंस नॉट दैट टू गुड वाली चीज़। इस मामले में उत्तराखंड के लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यार। चलते हैं, यूपी भी बेटर है भाई, यूपी मच बेटर है, यूपी भी गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड ओंकारेश्वर मंदिर। और भाई जो हमारा बस का सफ़र रहा है ना, हमारा ओपी बस ड्राइवर रहा है खत्म। और ये देखो भाई, अभी कीचड़ में चला गया मेरा पैर, क्या बोले, आज दिन ख़राब है भाई, बीटी। और तो भाई जो हमारा सस्ता विंड डीजल, आपने शॉर्ट देखे होंगे, जो उड़ाया है भाई, घाट जो पहाड़ी घाट होते हैं भाई, 90-100 उड़ा रखी बस,
भाई अलग ही सीन चल रहे हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट यार हमारा फटाफट दर्शन हो जाए बिकॉज टाइम का हमारे साथ बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है। भाई फाइनली आ चुका है प्रवेश द्वार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ से है हम लोग को 600 मीटर्स का ट्रैक करना पड़ेगा, लाइक 600 मीटर्स का यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, इससे आगे ऑटो वगैरह कुछ नहीं जाता है। सो अभी है यहाँ से प्रवेश द्वार, फटाफट चलते हैं भाई अंदर और टीका टूका लगवाते हैं, आप सोच रहे टीका वाला टीका वगैरह पहले ही लगवा लें। बाकी यहाँ पे शॉप्स हैं, जैसे आप दरवाजे में आओगे एंटर करोगे दरवाजे से डायरेक्ट आपको बहुत सारी एंड तक शॉप्स मिलेंगी, देखा था मैंने। हाँ ये सही है, ये वाला भी सही, महाकाल में क्या है ना बहुत बहुत कंजेस्टेड है, ये सॉर्टेड है एकदम भाई टाइम नहीं है वरना यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद के लेके जाते हैं। देखते हैं एक सेकंड में एक जल्दी में कोई पसंद आ गया तो कुछ सुवेनियर ले लेंगे, बाकी अभी फटाफट चलते हैं अंदर जल्दी से दर्शन करने, टीका लगवा लेते हैं आज पहले टीका लगवाएंगे भाई। यहाँ पे पड़ेगा आपको एक मलेश्वर जो है मंदिर वो इधर है और ओमकारेश्वर के लिए इधर जाना है, ये वाला पुल एकदम ऋषिकेश जैसा लक्ष्मण झूला है बिल्कुल वैसा ही है ये, इसको क्रॉस करके तब जाना है उस साइड दर्शन करने के लिए। चेक दिस आउट गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं झूले पे और इतना सामने देख रहे हो भाई, सामने है डैम, एक सेकेंड ये देख रहे हो भाई सामने है डैम नर्मदा नदी और वहाँ पर है डैम और यहाँ पे और एकदम मस्त बोट्स वगैरह चल रहे हैं और भाई ये चेक करो आप एकदम लक्ष्मण झूला जैसा वाला फील आ रहा है, वो बात अलग है। ये चेक करो आप नर्मदा नदी में चल रही हैं नाव, वी आर लिटरली वेरी सुपर लेट, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हैं, कॉल करने के लिए बोला था 2 घंटे बाद फोन कर रहे हैं, एक फोटो लेंगे गाइस यहाँ पे वापस आते समय। लेकिन भाई वेदर ने जो साथ दिया है ना, एक काम बढ़िया हुआ है कि वेदर ने बहुत हम लोग का साथ दिया है, देख रहे हो एकदम मस्त क्लाउडी मौसम हो रहा है भाई, 4:30 ऑलमोस्ट बज रहा है और हम लोग को 11 बजे ट्रेन बज रही है और 3 घंटे ऐसे जाने में लगे हैं और मुझे एक अपनी दोस्त से भी मिलना है। Let's see guys, hope for the best. भाई लाइन के हाथ लग रहे कितने खतरनाक सीन्स हैं लाइन के, मुझे तो लग रहा भाई समय टाइम से दर्शन हो पाएंगे, लेट्स सी अब जो कर सकते हैं बोलन हाथ करेंगे, क्या उम्मीद लग रही है उज्ज्वल का, ये फोन इतना भारी पड़ेगा तो पता नहीं था, बर्थडे गिफ्ट भाई इतना महंगा बर्थडे गिफ्ट सच्ची में महंगा हो गया एकदम कट टू कट टाइम है, अगर बस में भी जरा सा लेट कर देते हैं फॉर श्योर छूटनी है भाई, ट्रेन छूट जाएगी पक्का। फाइनली आ चुका है गर्भगृह का द्वार, बस अब यहाँ के बाद वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बस फोन अंदर रखते हैं और मिलते हैं आपको दर्शन करके, फाइनली भाई पहुँच ही गए दर्शन करने। सामने गर्भगृह और गर्भगृह के दर्शन आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ये चेक करो भाई। दर्शन तो कंप्लीट हो चुके हैं और आ चुका है धन्यवाद, तो धन्यवाद भोलेनाथ को उन्होंने दर्शन दिए, बट अब सबसे बड़ी पीटी हो गई है कि यहाँ पे हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश और ये हो गया है यहाँ पे मसला वाला गेम, बिकॉज अब आप लोगों को जाना है बस तक और हो रही है ये चेक कर रहे हो कितनी भयंकर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, और अभी ये वाला पूरा पुल क्रॉस करना है, पूरे भीगने वाले हैं भाई, मैं फट से कैमरा अंदर रखता हूँ, मैंने कहा इन्फॉर्म कर दूँ जल्दी से, आज का ब्लॉग बहुत ऊपर नीचे बना है, कोई नहीं गाइस मेमोरी है डॉक कर रहा हूँ डाल दूंगा, बट भाई दर्शन हो गए सबसे बड़ी बात है, अब रश करना है जल्दी से इंदौर के लिए और अब ये बारिश को झेलना है।
भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ओंकारेश्वर से। मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाकी सारी जा रहे हैं। उज्ज्वल ने मुँह छुपा लिया पहले ही, रो रहा है उज्ज्वल, उसको घर की याद आ रही है। और पीछे तो गाने बज रहे हैं ना, सर को जबानी रटे गा नहीं रहे। अगर कॉपीराइट आएगा तो मैं म्यूट मार दूंगा, लेकिन आप सर के मुंह से गाना सुनिए एक बार। क्या बात है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। क्या बात है, मैं देख रहे हैं सब कुछ हैरान है, मैं इनको देख के हैरान है, पता नहीं किसकी यादों में खोया हुआ है। उज्जवल भाई बता दो, अब स्वच्छता का आनंद लीजिए आप इंदौर में, और इससे ज्यादा साफ हमारे लगे। इनकी तो हालत है, इनकी तो हालत है, पूरे रास्ते सोया सर, कोई दिशा आराम करिए, बहुत थका है भाई हम लोग सर को। और वैसे ये इंदौर की टैगलाइन थी, कैसी लगी आप लोग को बताइएगा, हमें तो स्वच्छ ज्यादा दिखा नहीं, बाकी इंदौर वाले कमेंट कर देना। बाकी हम लोग ऑलमोस्ट इंदौर पहुंच रहे हैं, फटाफट स्टेशन चलते हैं, मुझे मेरे को किसी से मिलना है, उससे मुलाकात निपटा के स्टेशन जाते हैं, ड्रॉप रूम से सामान लेके फटाफट ट्रेन बोर्ड करते हैं, कुछ डिनर विनर भी कर लेते हैं। Okay guys, finally हम पहुंच चुके हैं इंदौर जंक्शन, और अब जुदा होने का समय आ चुका है, जुदा मतलब हमारा और सर का जुदा होने का समय आ चुका है। गाइस फाइनली सर निकल रहे हैं भोपाल की तरफ और हम निकल रहे हैं अहमदाबाद की तरफ। तो सर कैसी रही आपकी ट्रिप? बढ़िया सर, एक्चुअली बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ज़्यादा माइंड ना करना। ठीक है सर, ओके सर, पहुँच के सर बता दीजिएगा, हम लोग आपको पहुँच के बता देंगे।